गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपकी ईवीएस की क्लास है। ईवीएस की क्लास में ये आज आपका है लेसन 14 आपका क्या है, वी मूव ऑन। वी हाउ डू यू गो टू योर स्कूल, हम अपने स्कूल कैसे जाते हैं। कलर द पिक्चर दैट यू सी फॉर योर मूवमेंट, ये देखिए आपके सामने कलर्ड पिक्चर बनी हुई है। ये सारी चीज़ों की आपको बताना है कि आपको कैसे वी मूव ऑन। ओके बेटो, देखिए वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं। फॉर आवर मूवमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर वी नीड व्हीकल्स, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हमें कौन से साधनों की आवश्यकता होती है किस प्लेस पे जाने के लिए। तो देखिए वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम कैसे दूसरे स्थान एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाएंगे। देखिए फॉर आवर मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर वी नीड व्हीकल्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको दूसरी जगह जाने के लिए कौन कौन से साधनों की आवश्यकता होगी। व्हीकल्स कैरी पैसेंजर्स एज वेल एज गुड्स, जो हमारे साधन हैं देखिए ये बने हुए हैं नीचे, क्या बने, रिक्शा, हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट एंड ट्रैक्टर आर कॉमन इन विलेजेस, दीज आर कार्ड लैंड व्हीकल्स। देखिए ये हमारे कौन से व्हीकल्स हैं, लैंड, जिससे हम क्या, मतलब ये ऐसे हैं कि इससे हम पैसेंजर्स भी ढोते हैं और सामान भी ढोते हैं। तो रिक्शा में हम खुद भी बैठते हैं और सामान भी रख लेते हैं, वैसे ही ये हॉर्स कार्ट मतलब घुड़सवारी जो घोड़े से ले जाते हैं, इक्का तांगा जिसे बोलते हैं, उसमें हम बैठ भी सकते हैं और सवारी भी मतलब सामान भी ढो सकते हैं। वैसे ही ये देखिए ये बुलक कार्ट जो बैल जो चलाता है मतलब बैलगाड़ी, तो पहले के टाइम में देखिए लोग बैलगाड़ी पे बैठते थे, सामान भी रखते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ट्रैक्टर में भी लोग खेती में भी यूज़ करते हैं, उसमें बैठते भी हैं और उसमें सामान भी रख के ले जाते हैं। ओके बच्चों, फार्मर्स यूज़ ट्रैक्टर इन फार्मिंग, फार्मर्स क्या करते हैं ट्रैक्टर का यूज़ क्या किस लिए करते हैं, फार्मिंग के लिए, उसमें खेत में चला के फिर उसमें अनाज बोया जाता है तो उसके लिए हमें ट्रैक्टर का यूज़ भी किया जाता है। इन सिटीज स्कूटर मोटर बाइक कार बस ETC आर कॉमन, देखिए बच्चों ये क्या बना हुआ है, स्कूटर मोटर बाइक कार बस, सिटी में हमें ये सारे साधन मिल जाते हैं। बोट्स एंड शिप ट्रेवल ऑन वाटर सरफेस, दीज आर कॉल्ड वाटर व्हीकल्स, देखिए बच्चों हमारे वाटर व्हीकल्स कौन कौन से हैं, बोट शिप, हम इसमें भी बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मतलब इस जगह से इस पार से उस पार चले जाते हैं और हमारा बहुत सारा काम भी हो जाता है। तो ये हमारे कौन से व्हीकल्स कहलाते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट वाले वाटर व्हीकल्स। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स फ्लाई इन द स्काई, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एयर व्हीकल्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एयर व्हीकल्स, मतलब हवाई हवाई यात्रा करने के लिए जो साधन यूज़ होते हैं उनको ये हम क्या बोलते हैं, एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स, ये हवा में उड़ते हैं। एन एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट अमंग ऑल व्हीकल्स, एरोप्लेन सबसे ज़्यादा तेज़ी से उड़ने वाला मतलब आपको दूसरी जगह पहुँचाने वाला सबसे तेज़ साधन कौन सा है, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। ओके, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू ट्रेवल बाई एरोप्लेन, ये हमारे लिए बहुत महंगा होता है, सभी लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर हमें कभी बहुत जरूरी होता है, जहाँ पे बहुत जल्दी पहुँचना होता है, तो उसके लिए हमें ये एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है। ओके बच्चों, जैसे देखिए आपकी ये एक्सरसाइज दी हुई है, टिक द करेक्ट सर्किल, वी मूव, और देखिए ये सर्किल बना हुआ है, प्ले यहाँ भी सर्किल बना हुआ है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो क्या बोलेंगे, वी मूव, मतलब वी प्ले नहीं बोलेंगे, तो मूव के आगे क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। लॉयंस व्हीकल्स कैरी पैसेंजर एज वेल एज गुड्स, शेर या साधन हमें सामान ढोने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, शेर की व्हीकल्स की, तो क्या लगाएंगे, व्हीकल्स में टिक लगाएंगे।
फार्मिंग यूज बसेस ट्रैक्टर इन फार्मिंग. फार्मिंग के लिए हमें कौन से इसमें यूज करने हैं, तो क्या बस यूज कर सकते हैं कि ट्रैक्टर यूज कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर टिक लगाना है. बच्चों ऐसे ही मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आंसर होंगे, आपको उन्हें अच्छे से लर्न करना है और अपनी कॉपी में लिखना है. ओके बच्चों, थैंक यू.